Assalamualaikum, जानी सिंह जिगर्स, क्या हाल है आपके। दिस इज योर बॉय टीवी ब्लॉग्स और आज के ब्लॉग में वी आर डूइंग अ क्यू एंड ए बिकॉज मेरी बर्थडे है 19th बर्थडे एक साल के रहा एक जन्मदिन और मेरे पास कुछ ब्लॉग का आइडिया था नहीं तो आई थॉट व्हाई नॉट डू अ क्यू एंड ए आफ्टर डूइंग 3 years ऑफ यूट्यूब दिस इज माई फर्स्ट क्यू एंड ए सो लेट्स गेट इनटू इट। ओके, द फर्स्ट वन इज वुड यू डू अ टिकटॉक वीडियो विथ मी। ऑब्वियसली ब्रो चलते हैं बनाते चलेंगे कैसे लेकिन बनाते हैं। तो हाउ टू डील विथ फेक फ्रेंड्स, इन लोगों से डील करने का कोई तरीका नहीं है, आप सिर्फ इनको इग्नोर कर सकते हैं और ये दुआ करें कि जितना जल्दी ये आपकी लाइफ में से निकल जाए तो अच्छा है, या जितना आगे जाके धोखा देंगे या जितना आगे जाके उनकी फेकनेस बाहर आएगी तो आपके लिए ही प्रॉब्लम ज़्यादा होगी या मुश्किलें ज़्यादा होगी। तो दुआ करके पहले ही चले जाए, छोड़ के जाने वाले को रास्ता दिया करो, वास्ता नहीं। हैप्पी बर्थडे ब्रो, थैंक यू सो मच ब्रो। और इन साहब का एक चैनल है यूट्यूब पे, ही मेक्स गेमिंग वीडियोस, अगर आपको देखनी है तो लिंक इज डाउन बिलो, गो एंड चेक इट आउट, इट्स गुड। कराची या लाहौर? कराची। बिरयानी विथ आलू और विदाउट? विद आलू। यूट्यूब मनी आना शुरू हो गया? यूट्यूब मनी नहीं आना शुरू हुआ क्योंकि आवर्स रहते हैं थोड़े से, वैसे बेसिकली तो कम्प्लीट हो गए थे लेकिन वो एक साल में करना होता और बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, बाद में समझाऊंगा आपको। टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब is not a fight, it's not a worth battle, क्योंकि दो अलग अलग platforms हैं, दो अलग अलग content creators हैं, दो अलग अलग contents हैं, तो please इनको अलग ही रखें तो अच्छा है। घारों का vlog क्यों नहीं आया? तो मैं ईद पे घारों गया था और मैंने वहाँ पे vlog नहीं बनाया क्योंकि मैं 3 से 4 दफ़ा वहाँ पर जा चुका हूँ, वहाँ का vlog बना चुका हूँ, so it was not worth to make a vlog again of the same place. What is one of your biggest fears? डर तो सिर्फ इस बात का है कि I wish I could escape. I don't wanna think. Wish I could erase it. Make it happily, but I'm a bad. कोई डर नहीं है। कैमरा कब आ रहा है बिड़ू? कैमरा इज कमिंग सून एंड कमिंग सून वेरी स्लोली, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगेगा, लॉकडाउन हो गया, सारे चक्कर वक्कर हो गए, तो आएगा आएगा सून। थॉट्स ऑन इरफान जुनेजो लीविंग ब्लॉगिंग? ओह सो दैट्स अ जूसी क्वेश्चन, आई लाइक इट। भाई इरफान जुनेजो का अपने ओपिनियन ये था कि ही डिड नॉट वॉन्टेड टू ब्लॉग एनी मोर सो ही स्टॉप्ड ब्लॉगिंग और इवेंचुअली क्विट, और उनका ओपिनियन है, उनका चैनल था, उनके व्लॉग्स थे, तो ऑब्वियसली उनकी मर्जी भाई जो करने करे, लेकिन एज ऑडियंस मेरा ये ओपिनियन मेरा ये थॉट था कि ही यूज्ड द ऑडियंस, उनके पास टैलेंट था ऑब्वियसली बात है, और ही शोड हिज क्रिएटिविटी, लोगों को पसंद आई और उसके बाद उनको प्रोजेक्ट्स मिलना शुरू हो गया, उनको काम मिलना शुरू हो गया एंड ही इवेंचुअली लेफ्ट यूट्यूब। सो ही यूज्ड ब्लॉगिंग एज अ प्लेटफॉर्म टू रीच टू हिज गोल, बस जो भी कोई भी आगे ना पहुंचाया इसको सही है, ये सिर्फ मेरा ओपिनियन था, यहाँ तक ही रहने दे। एक व्लॉग रिएक्टिंग टू क्रिंज टिकटॉक्स, या सो अगला व्लॉग इसी टॉपिक पे होने वाला था और आपने पता नहीं डिस्कस कर दिया इसके यहाँ पे, तो अगला व्लॉग इज ऑन दिस टॉपिक। थॉट्स ऑन फ्रेंड्स डिस्टेंसिंग आफ्टर स्कूल? तो मेरे साथ भी ये सीन हुआ है और हम स्कूल में बहुत क्लोज थे, उसके बाद वी वेंट इनटू डिफरेंट कॉलेजेस, सबके अलग अलग काम शुरू हो गए एंड वी इवेंचुअली डिस्टेंस्ड, और I know it's not a right word, लेकिन हम डिस्टेंस होना शुरू हो गए एंड अब सीन ये है कि सबके अलग अलग काम होते हैं, सब बिजी अपने अपने काम में, लेकिन अभी भी हम जब मिलते हैं तो हम वही तफरी करते हैं जैसे हम स्कूल में करते थे, सो इट डजंट मैटर, थोड़े से टाइम के लिए सब डिस्टेंस होने हैं लेकिन इवेंचुअली वी विल गेट बैक सून। कौन सी यूनी जा रहे हो? यूनी इज यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी का सीन किया हुआ है और अप्लाई किया हुआ है, तो जब हो जाएगा तो आपको बता देंगे। 19th साल में क्या सीखा? 19th मतलब इस साल में क्या सीखा? तो सीखी तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मेन जो चीज़ सीखी इस साल में कि थोड़ी सी टेंशन कम लिया करें और लोग अटेंशन कम दिया करें बिकॉज दे डोंट डिज़र्व इट, स्पेशली फेक लोग और स्पेशली फेक फ्रेंड्स डिज़र्व नहीं करते आपके अटेंशन बिल्कुल भी, सो थोड़ा सा अपना टाइम उनके ऊपर कम लगाएं और स्पेशली उन चीज़ों के ऊपर अटेंशन कम दिया करें जो चीज़ अगले एक महीने में मैटर नहीं करने वाली, तो दैट्स इट, लोगों के लिए कम ख्वारी करें अच्छा होगा। नो द लास्ट बुक यू रेड, इट वॉज द फॉल्ट इन आवर स्टार्स, और एक इमोशनल किस्म की स्टोरी है और आप
पर है तो आपको बहुत मजा आएगा, यू विल फील वेरी कनेक्टेड और आई थिंक इट्स अ रियली गुड बुक. सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग रिएक्टिंग टू क्रिंज टिकटॉक वीडियोस. तो अगर आपके पास कोई टिकटॉक वीडियोस है क्रिंज वाली तो मेक श्योर यू सेंड मी ऑन इंस्टाग्राम या फिर जीमेल पे किसी भी तरीके से सेंड करें एंड आई विल रिएक्ट टू इट. एंड या आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग. मेक श्योर टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड अल्लाह हाफिज़.